नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी होने पर घाव से रक्त बहना बंद नहीं होता? इसका आंसर है दोस्तों, विटामिन के की कमी से। इसके बाद अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है या कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका आंसर है, एथिलीन गैस लाई जाती है। एथिलीन गैस से कच्चे फलों को पकाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव जाति का अध्ययन कहलाता है या मानव जाति का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो इसका आंसर है, एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है मानव जाति का अध्ययन। इसके बाद अगला प्रश्न, वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि क्या है या सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो इसका आंसर है, वार्षिक बलों की संख्या ज्ञात करना। वार्षिक बलयों की संख्या ज्ञात करने से वृक्ष की आयु ज्ञात की जा सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न, जीन का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया है? तो इसका आंसर है, हरगोविंद खुराना ने किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध है या किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर दोस्तों, इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी, इसलिए यह प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला प्रश्न, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर है, वातावरणीय आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। इसके बाद अगला प्रश्न, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर आधारित होती है या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर है, अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद अगला प्रश्न, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किसका होता है? बैंगनी कलर का। इसके बाद अगला प्रश्न, किसी परमाणु के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? किसी परमाणु के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो इसका आंसर है, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है या पुष्पों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो इसका आंसर है, एंथ्रोलॉजी में किया जाता है पुष्पों का अध्ययन। इसके बाद अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है या इंद्रधनुष बनने का कारण कौन सा है? तो दोस्तों, इसका आंसर है, प्रकाश का पूर्व आंतरण परावर्तन व प्रकीर्णन के द्वारा ही इंद्रधनुष बनना संभव होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होता है? तो इसका आंसर दोस्तों, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो इसका आंसर है, हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है या फाइकोलॉजी शाखा है विज्ञान की, इस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर है, सैलाबों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय माता दी।